अस्सलाम वालेकुम। माय टॉपिक इज सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन री अपटेक इनहिबिटर। सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन री अपटेक इनहिबिटर होते क्या हैं? ये है SNRIs की क्लास ऑफ मेडिकेशन जो ट्रीट करती है डिप्रेशन को। इफ़ेक्टिव है इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। इसके अलावा ये अदर कंडीशन को भी ट्रीट कर सकती है, जैसे कि एनजाइटी डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक पेन और स्पेशली नर्व पेन। इसके अलावा कुछ कॉजेस हो सकते हैं डिप्रेशन के, जैसे लाइफ स्टाइल हो गया या एनजाइटी हो गई, जिस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो ये जो हमारे पास SNRIs हैं, ये ट्रीट करते हैं डिप्रेशन को और नर्व पेन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी सेलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर हैं, सिटलोपाम, फ्लॉक्सेटीन, पैरोक्सेटीन। अब सीक्वेंस से इनकी इनका ब्रांड नेम देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे और एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिटलोपाम को। सो सिटलोपाम या फ्लॉक्सेटीन या पैरोक्सेटीन, इन तमाम के मैकेनिज्म एक्शन सेम है। सब क्या करते हैं, रीअपटेक करते हैं किसको, इनहिबिशन करते हैं रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन को, जिसकी वजह से सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, साइनेप्टिक क्लैफ में इंक्रीज हो जाता है। अब पहला हमारे पास है सिटलोपाम, इसका ब्रांड नेम है सिटैलो। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी, ये कहाँ पर है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी मेटाबोलाइज होता है कहाँ पर, लीवर के अंदर, एंड डीमेटाइलेशन करवाता है और कौन से एंजाइम से होता है, CYP2C19 और CYP3A4 से। इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है, ट्रीट डिप्रेशन, और इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास है हेडेक। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉक्सेटीन। फ्लॉक्सेटीन का ब्रांड नेम होता है प्रोजॉक। ये वेल ऑब्जर्व होता है आफ्टर ऑरल इंटेक के बाद, और थेरापेटिक यूज इसका क्या है कि ट्रीट करता है डिप्रेशन को और पैनिक अटैक को, और इसका एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास इंसोमनिया। नेक्स्ट है हमारे पास पैरोक्सेटीन। पैरोक्सेटीन का ब्रांड नेम है पैक्सिल। फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्ब आफ्टर ऑरल डोजिंग ऑफ सॉल्यूशन। थेरापेटिक यूज़ क्या है इसका, मेजर ऑब्सेसिव डिसऑर्डर को क्या करता है, ट्रीट करता है, एंड सोशल एंजाइटी को ट्रीट करता है। एडवर्स इफेक्ट इसका डायरिया और अनएबल टू स्लीप। ये जो हमने 3 डिस्कस करें, सिटलोपाम, फ्लॉक्सेटीन, पैरोक्सेटीन, ये तमाम क्या है, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जो सीरोटोनिन को इनहिबिट करते हैं और इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ के अंदर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो रोकेंगे किसको, सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकेंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 हैं, डेसमेथफ्लैक्सिन, डेलोक्सेटीन, मेलनकाम, मेथफ्लैक्सिन, मेलन एक्रिपेन। तो इनके मैकेनिज्म में सबके सेम है। ये 5-HT हमारे पास क्या है, सीरोटोनिन है, और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज क्या करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से साइनेप्टिक क्लेफ के अंदर इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेसमेथफ्लैक्सिन को। डेसमेथफ्लैक्सिन का ब्रांड नेम है प्रिस्टिक। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, हम वंस डे डेली डोजिंग देंगे, मतलब दिन में एक बार देंगे, और इसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 4-5 डेज में क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। नेक्स्ट थेरापेटिक यूज़ इसका यही है कि ट्रीट करता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एडल्ट के अंदर। एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ये तमाम क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेलोक्सेटीन। डेलोक्सेटीन क्या करता है इसका, हमारे पास ब्रांड नेम है सिम्बाल्टा। फार्माकोकाइनेटिक स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव आफ्टर 3 डेज ऑफ डोजिंग, मतलब इसकी जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है हमारे पास 3 डेज बाद अचीव हो जाती है। थेरापेटिक यूज़ किया इसका, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करेगा, और एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्राउजनेस और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट हमारे पास लीवोमिलन एक्रिपेन है। इसका ब्रांड नेम है फैटजीमा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी 92% है, जो कि आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी है। लो बाइंडिंग प्रोटीन इसकी एक्टिविटी है 22%। इसके अलावा ये मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम एंड CYP3A4। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, मेंटल बैलेंस, मतलब ये भी क्या करेगा, ट्रीट करेगा डिप्रेशन को, एडवर्स इफेक्ट हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और वॉमिटिंग। मेथफ्लैक्सिन का ब्रांड नेम है वेंसेर। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये वेल ऑब्जर्व हो जाता है हमारे पास और एक्सट्रीम से मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर। थेरापेटिक यूज़ क्या है, ट्रीट करता है कैटाप्लेक्सी को। एडवर्स इफेक्ट क्या है, मसल क्राम, यूफोरिया, कॉन्स्टेंट हेडेक। मिलनएक्रिपाम का ब्रांड नेम है सेविला। फार्माकोकाइनेटिक वेल ऑब्जर्व आफ्टर ओरल डोजिंग, मतलब आफ्टर ओरल डोजिंग क्या होता है, ये वेल ऑब्जर्व होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास 85% है। प्लाज्मा पिक कंसेंट्रेशन इसकी अचीव होती है आफ्टर 2 आवर्स।
थेरापेटिक यूज़ इसका है ट्रीट डिप्रेशन और फिब्रोमाइग्लिया। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, पैल्पिटेशन करता है और हाइपरटेंशन करता है। अगर हम समरी देखें इन सबकी तो तमाम ड्रग्स जितनी भी हम लोगों ने अभी देखी हैं वो ट्रीट होती हैं क्या करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिलोक्सेटीन है वो ट्रीट करता है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी को। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमारे पास वो कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा एक आर्म और एक लेग वर्क नहीं करती। वेनफ्लेक्सिन भी ट्रीट करता है कैटाप्लेक्सी को। कैटाप्लेक्सी वो कंडीशन होती है जहाँ पर इनवॉलंटरी लॉस हो जाता है हमारे पास मसल्स का, मतलब मसल्स क्या करेंगे सडन लॉस हो जाएगा उनका, इनकी जो मूवमेंट होगी वो लॉस हो जाएगी। इसके अलावा मिलन प्रोग्राम आर यूज टू ट्रीट फाइब्रोमाइग्लिया, और मिलन प्रोग्राम का ट्रीट करेगा फाइब्रोमाइग्लिया। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इनके तमाम के हेडेक हैं, लेकिन जो लिवोमिलन काम है वो क्या कॉज करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करेगा, और मिलन काम कॉज करेगा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। इसी वजह से जो हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट होंगे उनको हम मिलन प्रोग्राम नहीं देंगे। ये तमाम जितनी भी ड्रग्स थी ये तमाम की आती हैं हमारे पास SSNRIs थी जो क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं डिप्रेशन को। तो यहाँ मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।